अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आई एम हियर फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। टुडे वी आर डिलीवरिंग लीगल लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ जुडिशियल डिवोर्स। आज के हमारे लीगल लेक्चर का टॉपिक है जुडिशियल डिवोर्स क्या होती है। इससे पहले हमने तलाक, खुला, मुबारक एंड अदर सो मैनी डिवोर्सेज के बारे में हमारे वीडियोस मौजूद हैं जिस पर हमने लीगल लेक्चर अपने डिलीवर किए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जुडिशियल डिवोर्स। देखिए, जुडिशियल डिवोर्स क्या होती है, व्हाट इज द जुडिशियल डिवोर्स। देखिए, जुडिशियल डिवोर्स विच मे बी ऑब्टेन्ड आफ्टर जुडिशियल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल डिवोर्स। वो डिवोर्स जो जुडिशियल प्रोसेस के बाद ऑब्टेन की जाती है, विच मे बी ऑब्टेन्ड आफ्टर जुडिशियल प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल डिवोर्स। अब जुडिशियल डिवोर्स वो होती है जो कानूनी, जो एक अदालती प्रोसेस के बाद ली जाती है, उसको जुडिशियल डिवोर्स कहते हैं। अब ये जुडिशियल डिवोर्स इट कैन बी ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड और इट कैन बी ऑन बिहाफ ऑफ द वाइफ। ये हस्बैंड की तरफ से भी हो सकती है और वाइफ की तरफ से भी हो सकती है, तमाम मजहब के लिए, चाहे वो आइदर एज ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड हिंदू और अदर एनी रिलीजन, किसी भी मजहब की तरफ से अगर कोई प्रोसेस कोर्ट के थ्रू डिवोर्स दी जाए उसको जुडिशियल डिवोर्स कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869 में हस्बैंड है, सेक्शन 10 है, हस्बैंड और वाइफ कैन फाइल पिटीशन ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ गिल्टी ऑफ इनसेस्टुअस एडल्टी, बाइगेमी विद एडल्टी या मैरिज विद अदर वुमेन। इसके अलावा सेक्शन 18 है, नलिटी ऑफ द मैरिज। और अब जबकि सेक्शन 7 भी रिस्टोर हो चुका है क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट 1869 का, जो कि हाई कोर्ट ने पीएलडी 2017 लाहौर 610 के हवाले से इस एक लैंडमार्क क्रिश्चियन की जो जजमेंट आई है लाहौर हाई कोर्ट की, उसमें उसको सेक्शन 7 को रिस्टोर कर दिया गया है कि यूके मेट्रोनोडल काज एक्ट 1973 के तहत भी क्रिश्चियन डिवोर्स ले सकते हैं। और इसके अलावा डेजोलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, उसके साथ जो हम डिवोर्स अगर लेते हैं कि हस्बैंड 4 साल से गायब है, 2 साल से वाइफ को नेगलेक्ट कर रहा है या फिर उसने दूसरी शादी कर ली है, इसके अलावा 7 साल से वो गायब है, इसके अलावा वो इम्पोर्टेंस है, शादी से लेकर अब तक वो इम्पोर्टेंस है, और इसके अलावा क्रूएलिटी है, और इन बेस पर भी जब हम केस फाइल करते हैं तो कोर्ट में जुडिशियल डिवोर्स लेते हैं। अगर हिंदू हैं तो अंडर सेक्शन 10 है फैमिली कोड एक्ट 1964 का, अंडर सेक्शन 2 है हिंदू वाइफ सेपरेशन एक्ट 1947 का, इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट 2017 का भी है, अंडर सेक्शन 9 जुडिशियल सेपरेशन और अंडर सेक्शन 12 है टर्मिनेशन ऑफ द मैरिज, और उस वो अगर डिवोर्स लेते हैं। और अगर पारसी है तो उनका पारसी का डिवोर्स एक्ट 1936 में सेक्शन 30 है या 31 में, जिसमें सूट फॉर नलिटी ऑफ द मैरिज और डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज के लिए अगर केस फाइल करते हैं, तो इन लॉ में जो भी केस हम कोर्ट में फाइल करेंगे, कोर्ट हमें डिग्री देगी आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको हम जुडिशियल डिवोर्स कहते हैं। जुडिशियल डिवोर्स वो होती है जैसा मैंने बताया, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, हिंदू, उनके अपने लॉ के मुताबिक जो हम केस कोर्ट में फाइल करते हैं और कोर्ट आफ्टर ड्यू प्रोसेस, आफ्टर जुडिशियल प्रोसेस जो डिवोर्स इशू करती है, उसको हम जुडिशियल डिवोर्स कहा जाता है। आज का टॉपिक इतना ही, कल एक नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।